Testing. जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? रेज हैंड कर दें अगर वॉइस सब लोगों को आ रही है तो। जी, वेल एंड गुड। ओके, कल के लेक्चर का या कोई भी प्रीवियस आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो पहले 2-4 मिनट हम वो डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम प्रॉपरली चैप्टर नंबर 2 से आज जो है वो लेक्चर जो शुरू कर लेंगे। जी, अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आप रेज हैंड करें अपना। जी असफन, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो जी फैजान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपने सेकंड लेक्चर में पाकिस्तान की नेशनल इनकम जो है 38,000 बिलियन बताई थी। जी जी, लेकिन सर ये मैंने नेट से देखी है, ये 34,000 USD बिलियन है। ये असल में सिचुएशन ये है कि ये रिवाइज हुए हैं। आपको पता होगा हमारा एक्सचेंज रेट फॉल कर गया है। ऐसे ही है ना, यानी कल तक अगर आप कह लें 6 महीने पहले तक अगर हमारा पाकिस्तानी रुपी 140 रुपए एक डॉलर के इक्वल था, तो 38,000 को जब आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर कुछ और आएगा, और जब आप उसको न्यू एक्सचेंज रेट पे कैलकुलेट करेंगे तो वो रिवाइज होगा। तो ये रिवाइज्ड या आप कह सकते हैं इसको एडजस्टेड कैलकुलेशंस हैं। ये वेल एंड गुड है, आप रिवाइज्ड चेक करना चाहें तो हम 34,000 कोट कर लेंगे। अदरवाइज जो इनिशियल कैलकुलेशन थी 2018 और 19 की, दैट वाज 38,000 बिलियन डॉलर। ओके सर, थैंक यू। डॉलर नहीं, ये पाकिस्तानी रुपी। ये डॉलर में तो तकरीबन 308 या 304 डॉलर के करीब बनेगा, बिलियन डॉलर। जी, और समीउल्लाह, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? हेलो समीउल्लाह, आपका क्वेश्चन, आपका माइक नहीं ऑन शायद। जी समीउल्लाह, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने ये पूछना था कि डायरेक्ट इनवर्स का बता दें रिलेशन दोबारा थोड़ा सा। जी, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में देखें, कोई भी दो ऐसे वेरिएबल जो एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन में मूव करते हों, उनको हम कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल डायरेक्टली रिलेटेड हैं। यानी वेरिएबल ए अगर इंक्रीज करे और बी भी इंक्रीज ही कर रहा हो, वेरिएबल ए डिक्रीज करे और बी भी डिक्रीज ही करना शुरू कर दे, या आप वाई और एक्स की सेंस में कह सकते हैं कि वाई में इजाफा हो और एक्स में भी इजाफा ही हो, या वाई कम हो और एक्स भी कम हो। यानी जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ पे पॉइंट बनते हैं वो अपवर्ड बनते हैं। साफ जाहिर है, वाई बढ़ेगा एक्स भी बढ़ेगा तो अगला पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर में आएगा अपवर्ड ट्रेंड में। तो दैट इज कॉल्ड स्लोप की सेंस में पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन, और रिलेशनशिप की सेंस में इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी दोनों वेरिएबल डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर दूसरा आपने वर्ड यूज क्वेश्चन किया इनवर्स रिलेशनशिप, इसको हम इनवर्स या आप कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब नेगेटिव या इनवर्स का मतलब है कि आपस में उल्टा रिश्ता है इनका। एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो दूसरा डिक्रीज या कम हो रहा है, और अगर वन वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है। उसमें फिर हमने कल लॉ ऑफ डिमांड की एग्जांपल की कि जब प्राइस बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। प्राइस वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है उस चीज की, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी कम होती जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, या फिर हम उसको नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, और स्लोप के सेंस में उसके लिए वर्ड यूज होगा नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। जी नेक्स्ट हसन, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम जी।
सर ये प्राइस और डिमांड के रिलेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, लाइक हाँ मैं ये ग्राफ को ड्रॉ आपने, करना पड़े। जी, ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, इन दोनों में प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट होगी और क्वांटिटी डिमांड जो है हमेशा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। आपने ये बहुत अच्छा किया, क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन की वजह से एक और कंफ्यूजन क्लियर कर लें। आप लोग जब मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक्स एक्सिस का वेरिएबल डिपेंडेंट है और वाई यस सर, एक्सिस का वेरिएबल जो है वो अदरवाइज है। लेकिन सर एक्स का इंडिपेंडेंटली हो हाँ, जाता एक्स था का साइंस इंडिपेंडेंट, ऑफ, जी, यस एक्स का सर इंडिपेंडेंट है और वाई का डिपेंड करता है। यस लेकिन सर इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्लियरली नोट कर लेना है, पूरी इकोनॉमिक्स में हम कहीं पर भी फिक्स नहीं करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किस एक्सिस पे आएंगे। एक्सिस के लिहाज से इकोनॉमिक्स में कोई पाबंदी नहीं है। कुछ ग्राफ्स में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे होगा, ज्यादातर ग्राफ्स में वाई एक्सिस पे, हालांकि ट्रेडिशन जो मैथ्स में चलती है उसके ये बिल्कुल उलट है। कुछ ग्राफ्स में, चंद एक ग्राफ्स में, 20% के करीब ग्राफ्स में एक्स पर ही इंडिपेंडेंट होगा। तो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स किस एक्सिस पे आएंगे, इसका तल्लक उसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से नहीं है, थ्योरी से उसका तल्लक है, ट्रेडिशन से आप कह सकते हैं। ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा प्राइस वाई एक्सिस पे ड्रॉ की जाती है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड होती है। पूरी दुनिया की आप कोई भी बुक उठाएंगे, पी हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे। तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स में आपने डे वन से कंफ्यूजन क्लियर कर लेनी है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वजह से एक्सिस डिफाइन नहीं होंगे। ट्रेडिशनली जो बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है हमने उसको फॉलो करना है। थ्योरी हमें बताएगी कि कौन सा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है, आज हम करेंगे भी वर्डिंग उसकी, कि वेन एवर प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो चेंजेस। यानी हम पहले बता रहे हैं कि प्राइस खुद चेंज होगी, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे। तो थ्योरी वर्डिंग डेफिनेशन बताएगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन है, एक्सिस कभी नहीं बताएंगे कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कौन है। ओके सर, जी, सर और ये किसी इसको का कोई लर्न कर क्वेश्चन? लेना। ओके जी, देन शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा। जी, ये तीन स्टूडेंट भाई मोहम्मद उसामा है, निमरा बशीर है और उजैर अहमद हैं। आप लोगों को कल भी भाई जिशान साहब ने स्पेशली आके गाइड किया था कि अपने नेम से पहले आपने क्लास रोल नंबर ऐड करना है। सर कयूम ने उसकी वीडियो भी ग्रुप में शेयर की थी कि वो परमानेंटली अपना नाम चेंज कर लें ताकि आपको रोजाना ये ना करना पड़े। उजैर, आप भी भाई ये चेंज कर सर लें। असल में मैं आज ही ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे दोपहर, आज क्या नाम है, 11 या 12 बजे ग्रुप में ऐड किया, तो बाकी कॉन्वर्सेशन मेरी लॉस्ट हो गई है सारी। तो बाकी इस क्लास के बाद जैसे आप कह रहे हैं मैं कर लूंगा वैसे। ओके जी, ओके, ठीक है। अपना नाम और सर क्लास आके बता देने से पहले अच्छे हैं। पहले ठीक आपने रोल नंबर लिखना है अपना, उसके बाद स्पेस है, देनी है और उसके बाद अपना नाम जो कॉलेज में रजिस्टर्ड है वो नेम आपने यूज करना है। ठीक है, ओके हो गया सर। ओके जी, देन लेक्चर शुरू करते हैं। ये जिन लोगों को गाइडलाइन दी है भाई ये करेक्शन कर लें, वरना अदरवाइज मैनेजमेंट फिर आपको इसमें से जो है वो रिमूव कर देंगे ग्रुप में से। ओके जी, लेक्चर हम चैप्टर 2 से आज शुरू करते हैं। फर्स्टली हमने इम्पोर्टेंटली इसमें कहा था कि जब भी इकोनॉमिक्स स्टडी की जाती है किसी भी लेवल पे, इवन आप इंटर लेवल पे स्टडी करें, बैचुलर लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो आपका डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई को कंबाइन करके फिर हम चैप्टर के एंड पे प्राइस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइस या कीमतों का निजाम जो है वो किस तरह से किसी भी कंट्री के अंदर वर्क करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में काफी, आप कह लें, लेंथी चैप्टर है, तकरीबन हमारे 5 या 6 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट वीक के लेक्चर्स जो हैं वो इस पे लगेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई में हमने डिटेल्स में काफी चीजें डिस्कस करनी है। डिमांड के टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम वाइज भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर सप्लाई के टॉपिक पे इसी तरह से 5-6 क्वेश्चंस हैं। फिर दूसरे चैप्टर के जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो 4-5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हैं वो प्राइस मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं। तो इस चैप्टर में हम रफली आप कह सकते हैं 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके जी, फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है
डिमांड एंड सप्लाई के इस चैप्टर में डिमांड से हम शुरू करेंगे। डिमांड के लिए एक सिंपल वर्ड मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आपने फॉलोइंग पूरे चैप्टर में अपने माइंड में रखना है कि डिमांड की सेंस क्या है इकोनॉमिक्स में। डिमांड इज द पावर और अबिलिटी टू परचेज अ प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस टू परचेज। डिमांड के लिए ये दो बातें मौजूद होना बहुत जरूरी हैं। इन दो के बगैर आप कह सकते हैं कि दैट इज नॉट एक्चुअल डिमांड इन इकोनॉमिक्स, अबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। अब इन दोनों बातों को थोड़ा सा फर्दर डिटेल में समझें। अबिलिटी टू परचेज का मतलब है कि मैं मार्केट गया हूं, मार्केट में कोई प्रोडक्ट 10 रुपए की बिक रही है, क्या मेरी पॉकेट में 10 रुपए हैं? अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो आई हैव द अबिलिटी टू परचेज, यानी खरीदने वाले के पास परचेजिंग पावर का होना। इसके साथ दूसरा हिस्सा, क्या मैं वो प्रोडक्ट खरीदना भी चाहता हूं या नहीं खरीदना चाहता, विलिंगनेस, मेरी विलिंगनेस क्या है। इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिस हो जाए तो इकोनॉमिक्स में उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। मेरे पास 10 रुपए हैं लेकिन मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, इट मींस कि अबिलिटी टू परचेज है, विलिंगनेस नहीं है, एक्चुअल डिमांड इन मार्केट क्रिएट नहीं होगी, आई विल नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट। दूसरी तरफ आई वॉन्ट टू परचेज, मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूँ, विलिंगनेस टू परचेज है, लेकिन मेरे पास 10 रुपए ही नहीं है खरीदने के लिए, परचेजिंग पावर नहीं है, अगेन इट इज नॉट एक्चुअल डिमांड इन द इकोनॉमी। तो यानी कि जब हम लफ्ज डिमांड इकोनॉमिक्स में बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है लोग क्या खरीदना चाहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि वाकई लोगों की परचेजिंग पावर और लोगों की विलिंगनेस मिलने से कंबाइनली जो फैक्टर बनता है उसको हम डिमांड कहते हैं। तो यानी जब हम आगे चल के कोट करेंगे कि फलां प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए पे 100 यूनिट डेली है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए पे शायद कितने लोग खरीदें, हम एक्चुअल की बात कर रहे होंगे कि जब 10 रुपए प्राइस है तो 100 यूनिट डेली खरीदे जा रहे हैं, जब 20 है तो इतने खरीदे जा रहे हैं, जब 30 है तो इतने खरीदे जा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम क्वांटिटी डिमांड और प्राइस को आपस में लिंक करते हैं। The quantity which buyer are willing and able to purchase, again दोनों word हम use कर रहे हैं, willingness होना भी जरूरी है और ability to purchase होना भी जरूरी है, at prevailing market price, prevailing mean current market price, यानी कि demand का मतलब होगा कि इस वक्त मौजूदा market में जो कीमत है, इस कीमत पे इस quantity के कितने unit लोग खरीदने को तैयार हैं और उनकी खरीदने की capacity भी exist करती है। ओके, ये तो था बेसिक आइडिया डिमांड क्या है। हमने फिलहाल लॉ ऑफ डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की, थोड़ा सेंस क्लियर की है कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। ये 2 या 4 नंबर का बाज़ूकात शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मली 2 नंबर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, जस्ट डेफिनेशन हमने लिखनी होती है। इंडिविजुअल डिमांड कुड बी द डिमांड ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, a single household, a single family or even a single firm. जब हम किसी सिंगल यूनिट की तरफ से आने वाली डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं, मसलन मैं अकेला शख्स मार्केट से रोजाना कितने केजी फ्रूट खरीद रहा हूं, या किसी खास प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी है, सिंगल पर्सन, सिंगल फैमिली या सिंगल फर्म की तरफ से, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड को कंपेयर करें तो मार्केट डिमांड ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाई ऑल द कंज्यूमर्स। मेरी तरह के सैकड़ों लोग और हैं जो वही फ्रूट खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेब है, एप्पल है, मैं भी एप्पल डेली खरीद रहा हूं, मेरी तरह के सैकड़ों और कंज्यूमर्स हैं वो भी एप्पल डेली खरीद रहे हैं। अब आज की मार्केट प्राइस अगर 200 रुपए पर केजी हो, तो अगर हम 200 रुपए पर केजी पे सिर्फ मेरी डिमांड बताएंगे तो इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। अगर हम 200 रुपए पर केजी पे टोटल डिमांड इन मार्केट बताएंगे कि एप्पल्स की टोटल डिमांड कितनी है, ऑल द कंज्यूमर जो मार्केट में एप्पल परचेज करना चाहते हैं उनकी टोटल डिमांड कितनी है, तो इन दिस सेंस वी कॉल इट मार्केट डिमांड। तो ये बाजू का छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को जो है वो डिफाइन कर दें या उनको डिफ्रेंशिएट कर दें। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी तो पूरी इकोनॉमिक्स के लिए एक रूल अंडरस्टैंड कर लें, किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन हो वो हमेशा 2 नंबर की पूछी जाएगी आपसे।
define law of demand, define law of supply, define flan thing, whatever, जो भी definition है वो 2 marks की आपसे पूछी जाएगी. Okay, अब law of demand की proper definition जो as it is आपने quote करनी है, इसमें आप wording change नहीं कर सकते. Define का लफ्ज जहां भी paper में आ जाए वहां पे आपने अपनी मर्जी नहीं करनी, अपने word इस्तेमाल नहीं करने, आपने 100% book को follow करना है. जहां पर वर्ड एक्सप्लेन आएगा, डिस्कस आएगा, वहां पे हमारे पास 10-20% मार्जिन होता है कि 70-80% हम बुक वाला कॉपी कर लें, बाकी हम थोड़ा सा अपनी इजी वर्डिंग में कर लें. वहां पर भी एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन में 100% राइटिंग हमने अपने माइंड से नहीं करनी, क्योंकि जब आप अपने माइंड से लिखने की कोशिश करते हैं तो देर आर मच चांसेस कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी थी वो कहीं आप मिस ना कर जाए. स्पेशली एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम क्वेश्चन जो 3 नंबर 2 नंबर या कम नंबर्स के होते हैं उनमें तो कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसमें हम अपनी वर्डिंग ऐड कर सके, क्योंकि ब्रीफ लिखना होता है तो टू द पॉइंट और ब्रीफ की वजह से हम फिर बुक को प्रेफर या फॉलो करते हैं. ओके जी, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और गुड इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज, या डिक्रीज की जगह पे हम एक वर्ड यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड रिवर्स डेफिनेशन, एंड व्हेन दी quantity demand decreases, the quantity when the price decreases quantity demand will increase, ya increase ke liye hum extend ka word use karenge. Ab is statement ke end pe ek bahut important fikra note kare, sentence other things remain constant. Iske liye international standard mein jo economics ki books mein word use hota hai wo hai ceteris paribus. Ceteris paribus mean, isko agar aap easy wording mein translate kare to other things remain constant, अगर आप इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बाकी तमाम फैक्टर फिक्स हैं. असल में हम डिफाइन क्या कर रहे हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करने वाले तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट ले लिए जाएं, मसलन वेदर इफेक्ट कर सकता है, मौसम का बदलना बहुत सी चीजों की डिमांड को कम कर देता है, बहुत सी चीजों की डिमांड को बढ़ा देता है, लोगों का इनकम लेवल का चेंज होना डिमांड को इफेक्ट करता है, और बहुत से फैक्टर हैं. अगर जस्ट फॉर ए सेकंड वी अज्यूम कि ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट और कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसा है वैसा ही है उस वक्त, तो प्राइस का इफेक्ट क्या होगा? ओनली प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब आप ओनली प्राइस को ऑब्जर्व या स्टडी करेंगे तो फिर हमारे पास जो सिचुएशन है वो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ इस तरह की बनेगी. ग्राफ देखें, अजम्पशंस बाद में करते हैं. डिमांड कर्व का ग्राफ या लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली हुई है 0, 50, 100, 150, 200, 250 रुपीज. एनी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पर केजी राइस की प्राइस इतनी है करंटली, मार्केट में डिमांड कितनी है, फ्रूट की ले सकते हैं, एनी कॉमन प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट बाय नेम आप ना भी यूज करें तो प्रोडक्ट ए बी सी आप सिंपल वर्डिंग यूज कर सकते हैं. ओके जी, जस्ट हाइपोथेटिकली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इस ग्राफ में अगर प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपीज है तो लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट दैट कि इस प्रोडक्ट की लेट अज्यूम डिमांड 20 यूनिट्स पर डे है. अगर इसकी प्राइस कम होकर 200 पे आती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड होगी, 20 यूनिट से बढ़ जाएगी. आप 20 से बढ़ा के 35 लिख दें, 30 लिख दें, 50 लिख दें, 100 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लियरली होना चाहिए कि प्राइस कम हुई है तो डिमांड 20 यूनिट से बढ़ जानी चाहिए. ओके, आप 200 के सामने 30 पे पॉइंट लगा लें फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई भी पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लें तो भी कोई इश्यू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो इट मीन्स कि प्राइस 200 पे आई है और डिमांड 20 से बढ़ के 30 पे आ गई है, ये भी ओके है, इस एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ज्यादा बेटर ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर ये करते हैं कि प्राइस 200 है, डिमांड 40 पे चली गई है, प्राइस फर्दर कम होके 150 पे आई है, डिमांड फर्दर एक्सटेंड हो गई है 60 पे चली गई है, प्राइस फर्दर फॉल की है 100 पे, डिमांड 80 पे चली गई है, और इन पॉइंट्स को हम आपस में सिंगल लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. अब ये जो लाइन है इसका हमने ऑब्वियसली कोई ना कोई नेम रखना है ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें. वी कॉल इट डी, डी फॉर डिमांड लाइन. डिमांड कर्व भी कह सकते हैं आप, डिमांड लाइन भी कह सकते हैं, बोथ आर ओके. अब डिमांड लाइन या डिमांड कर्व जो है बेसिकली, यहां तक तो सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, डाटा लिया हमने हाइपोथेटिकली,
مختلف پرائسز لیں, ہر پرائس کے آگے پرائس کم کرتے گئے, ڈیمانڈ بڑھاتے گئے, اس کا گراف بنا دیا. اصل کنسرن ہے کہ جو ہم لا آف ڈیمانڈ میں تھیوری ایکسپلین کر رہے تھے, اس تھیوری کو یہاں پہ ایکسپلین کرنا پانچ سے سات لائنوں میں. تھیوری واز دیٹ کہ جب کسی پروڈکٹ کی پرائس کم ہوتی ہے تو اس کی کوانٹیٹی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. وی ول سے کہ اکارڈنگ ٹو گراف جب پروڈکٹ کی ڈیمانڈ 250 روپیز تھی تو اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ 20 یونٹس ڈیلی تھی, اینڈ وین پرائس فالز یا ریڈیوسز فرام 250 ٹو 200 یونٹس کوانٹیٹی ڈیمانڈ ہیز انکریزڈ فرام 20 ٹو 40 یونٹس. اسی طرح آپ ایک اور پوائنٹ کوئی بھی ایکسپلین کر دیں کہ وین پرائس واز 150 روپیز ٹوٹل ڈیمانڈ واز 60 یونٹ ان دی مارکیٹ, اینڈ وین پرائس فالز اور ریڈیوسز ٹو 100 روپیز ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے وہ 60 سے انکریز ہو کے 80 روپیز پہ آ گئی ہے. ایک تو ہم نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ جو لا آف ڈیمانڈ کہہ رہا تھا وہ گراف سے کیسے پروف ہو رہا ہے. اس سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کل کے لیکچر میں کی تھی کہ جو ہم نے نیگیٹو اور پوزیٹو ریلیشن شپ کی بات کی تھی, وی ول سے دیٹ کہ دس گراف از ڈاؤن ورڈ سلوپنگ, یہ نیگیٹولی سلوپڈ ہے. نیگیٹو سلوپ ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں ایکسز پہ جو ویریبلز ہیں, وائی ایکسز پہ پرائس آف دی پروڈکٹ ہے, ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی آف دی پروڈکٹ ہے, یہ دونوں ویریبلز آپس میں نیگیٹولی ریلیٹڈ ہیں. نیگیٹو ریلیشن کہاں سے نظر آ رہا ہے, جب پرائس فال کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت, کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, پرائس کم ہوتی جا رہی ہے, کوانٹٹی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو آپ ریورس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب پرائس انکریز ہو رہی ہے تو اس وقت کوانٹیٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. پرائس 100 پہ تھی تو ڈیمانڈ 80 یونٹ تھی, لیکن جیسے جیسے پرائس 100 سے بڑھ کے 250 کی طرف گئی ہے, کوانٹیٹی ڈیمانڈ 80, 60, 40, 20 کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگین بوتھ آر انورس, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیگیٹولی ریلیٹڈ ہیں, تو ایک دوسرے کا انورس ریلیشن ہونا بھی ہم نے اس میں ایکسپلین کر دیا. یہ تھی ڈیٹیل ایکسپلینیشن. اب یہاں پہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے, پیپر پوائنٹ آف ویو سے ورڈنگ سمجھیں. ایک فار ایگزامپل دو نمبر کا کوسچن آتا ہے, ڈیفائن لا آف ڈیمانڈ. صرف آپ لا آف ڈیمانڈ کی بیسک ڈیفینیشن لکھیں گے, کمپلیٹ سیٹرس پیریبس انکلوڈیڈ, آپ نے آل ادر تھنگز کا فکرا کہیں پر سکپ نہیں کرنا, آل ادر تھنگز ریمین کانسٹنٹ, مسٹ انکلوڈیڈ ہونا چاہیے, اس کے بغیر لا کی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اوکے, آلٹرنیٹ کوسچن پانچ یا چھ نمبر کا وہ کوسچن بناتا ہے, ایکسپلین لا آف ڈیمانڈ ود دی ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈایاگرام. اب آپ کو بک کی ضرورت ہے, بک میں آپ کی کمپلیٹ ایگزامپل ہے, ایک ٹیبل دیا ہوا ہے, اس کی مدد سے گراف بنا ہوا ہے, اسی گراف کو ہم نے ساتھ ساتھ ایکسپلین کیا ہوا ہے. دس از دی کمپلیٹ ایکسپلینیشن, پانچ یا چھ نمبر کا کوسچن ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ تمام لوگ جو آئی کام, بی کام یا کسی بھی ایسے سیناریو سے آئے ہیں, وہ ایک چیز ویری کلیئرلی نوٹ کر لیں کہ کسی بھی پوری اکنامکس کی بک میں ہر لا میں اسمپشنز آئیں گی. آپ کلیئرلی نوٹ کر لیں, اسمپشنز کبھی بھی مین کوسچن کا حصہ نہیں سمجھی جائیں گی, کیونکہ بی کام میں پیٹرن اور ہوتا ہے, وہاں آپ سے وہ لا آف ڈیمانڈ پوچھتا ہے, آپ ڈیفینیشن بھی لکھتے ہیں, آپ ٹیبل بھی بناتے ہیں, ڈائیگرام بھی, اسمپشن بھی, وہاں 20 نمبر کا کوسچن ہے آپ سے, ہر وہ ایک بات پوچھے گا, آپ نے پورا کوسچن ہی لکھ کے آنا ہے, وہاں فارمیٹ یہ ہے. یہاں پر سی اے میں, کیف ٹو میں, اس نے جتنی بات پوچھنی ہے آپ نے اتنی لکھنی ہے, اور اس نے نمبر بھی اس کے اتنے ہی رکھنے. اس نے ڈیفینیشن پوچھنی ہے تو دو نمبر رکھے گا, اس نے ٹیبل ڈائیگرام اور ایکسپلینیشن پوچھنی ہے تو پانچ یا چھ نمبر رکھے گا. وہ اسمپشن پوچھنا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ سے پارٹ بنا دے گا, کوسچن ٹو, کوسچن ون, پارٹ اے, لا آف ڈیمانڈ ایکسپلین کریں, ڈرا کریں, پارٹ بی بنائے گا, آلسو رائٹ دی فائیو اسمپشن, سکس اسمپشن, تو وہ اس کو علیحدہ سے پوچھے گا. تو یہاں پر ہمیشہ کے لیے کلیئرلی نوٹ کر لیں, یہ کسی کو ایمبیگوٹی اس میں نہیں رہنی چاہیے کہ اسمپشنز ہم نے لا کی ایکسپلینیشن میں لکھنی ہے نہیں لکھنی ہے, اسمپشنز ہمیشہ سے ہی سیپریٹ ہے. وہ پوچھنا چاہتا ہے, ویل اینڈ گڈ, وہ علیحدہ سے چار پانچ نمبر کا ایک کوسچن بنائے گا, اس میں آپ سے اسمپشنز پوچھ لے گا. اوکے, اب یہ جو ہم نے نیگیٹولی سلوپڈ ریلیشن ایکسپلین کیا ہے ڈیمانڈ کرو کا, اس میں تین امپورٹنٹ باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنا, بلکہ چار ہیں ایکچولی یہ پوائنٹ. بعض اوقات کوسچن آتا ہے, یہ ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ کا ڈائریکٹ کوسچن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. وہ آپ سے یہ نہیں کہتا لا آف ڈیمانڈ ایکسپلین کریں, وہ آپ سے یہ نہیں کہتا ڈیفائن کریں, وہ یہ نہیں کہتا اس کی ٹیبل ڈرا کریں نہ گراف بنائیں, وہ آپ سے کہتا ہے چار ریزنز مجھے ایکسپلین کر دیں کہ ڈیمانڈ کی لائن نیگیٹو کیوں ہوتی ہے.
वैसे तो हमने जनरली अभी कह दिया भी प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, दोनों वेरिएबल आपस में नेगेटिवली लिंक है इसलिए नेगेटिव लाइन है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट एंड फुल आंसर। वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ये क्वेश्चन चार नंबर का आता है कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है। अच्छा एक सेकेंड, इसको शुरू करने से पहले एक चीज नोट कर लें, मैं आपको हर क्वेश्चन की हेडिंग के साथ मार्क्स बता रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन के बता दिए, टेबल डायग्राम आएगी उसके बता दिए, पांच या छह नंबर होंगे, व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड चार नंबर बता दिए। ये आपने अपनी हैबिट बना लेनी है, आप अपनी बुक सामने रखा करें और जिस हेडिंग पे मैं जितने मार्क्स बता रहा हूँ, बाज़ुकात कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही सिनारियों में आते हैं, एक ही नंबर चार बता दिए तो वो चार का ही आएगा जब भी आएगा या नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो दो नंबर का भी आएगा छह का भी आएगा, तो मैं वहां पे हाईलाइट भी करूंगा कि जब ये दो नंबर का क्वेश्चन हो यही तो क्या लिखना है, छह का या आठ का हो तो क्या लिखना है। तो आपने हर हेडिंग के साथ साथ नोट करते जाना है उसके मार्क्स जो मैं हाईलाइट करूं, ये फिर आपको हेल्प आउट करेगा जब आप टेस्ट की प्रेपरेशन करेंगे, क्लास टेस्ट की, ग्रैंड टेस्ट की, या फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन की आई कैप की तैयारी करेंगे, तो आपको पूरी बुक में पता होगा ये क्वेश्चन कितने का आएगा, ये कहाँ से आएगा, इसमें अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या है, तो ये आपने साथ साथ नोट करते जाना है, ये मस्ट है। ओके जी, देन व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ये चार नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली आता है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप क्यों होती है। फर्स्ट रीजन, इसको हम इकोनॉमिक्स की जबान में कहते हैं इनकम इफेक्ट, इनकम के इफेक्ट की वजह से डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड है। व्हाट इज द इनकम इफेक्ट, एज ड्यू टू फॉल इन प्राइस इनकम सीम्स टू बी इंक्रीज्ड, देयरफॉर कंज्यूमर मे परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर को ऐसा फील होता है कि मेरी इनकम बढ़ गई है, वर्ड नोट कर लें सीम्स टू इंक्रीज, एक्चुअली इनकम इंक्रीज नहीं हुई, इसकी एग्जांपल समझ लें इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के पास टोटल 100 रुपीज इनकम है, इकोनॉमिक्स में हम इनकम जो है वो वाई से डिनोट करते हैं नॉर्मली, तो वाई इज इक्वल टू 100, फॉर एग्जांपल 100 रुपए है उसके पास, प्रोडक्ट की प्राइस है इनिशियली, फिलहाल प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस है 10 रुपीज, 100 रुपए में इस प्रोडक्ट के वो मैक्सिमम अगर यूनिट खरीदना चाहे तो क्वांटिटी के हिसाब से आप ये कह सकते हैं 10 यूनिट्स परचेज होंगे, 10 रुपए का एक यूनिट है, 100 रुपए आपके पास हैं, यू विल मल्टीप्लाई 10 × 10, 100 रुपीज स्पेंड करें, 10 यूनिट आप क्वांटिटी परचेज कर लेंगे। जस्ट फॉर ए टाइम हमने कहा कि अगर इसकी प्राइस कम हो जाए, यानी अगर इसकी प्राइस 10 से कम हो गए 5 पे आ जाए, एक सेकंड के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं अगर कंज्यूमर अब भी 10 यूनिट ही खरीदे तो क्या होगा, कंज्यूमर अगर अब भी 10 यूनिट ही खरीदना चाहे न्यू प्राइस पर भी तो 10 × 5 टोटल 50 रुपीज वो स्पेंड करेगा, बाकी 50 रुपए तो उसकी पॉकेट में बच गए हैं। दिस इज एक्स्ट्रा इनकम, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कह रहे हैं इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर के पास फालतू बचने वाली इनकम, कंज्यूमर ये फालतू बचने वाली इनकम इसका कुछ हिस्सा या ये पूरी की पूरी इनकम शायद उसी प्रोडक्ट को खरीदने पर खर्च कर दे। This is one possible reason कि कीमत कम होने से कंज्यूमर के पास फालतू इनकम बचती है और बाज औकात कंज्यूमर उस फालतू इनकम को ही उस प्रोडक्ट पे खर्च कर देता है कि चलो यार सस्ती हो गई है 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए बच गए हैं थोड़ी सी ज्यादा खरीद लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, ये वन रीजन है, लाजमी नहीं है कि इसी वजह से डिमांड बढ़े। दूसरी पॉसिबल रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट का इकोनॉमिक्स में मतलब है मुतबादल, उर्दू में अगर आप कहें अल्टरनेट या मुतबादल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन एज नाउ गुड ए इज कंपैरेटिवली मोर चीपर देयरफॉर कंज्यूमर मे स्विच स्पेंडिंग टू वर्ड गुड ए। लेट अज्यूम अभी जो हमने एग्जांपल की है कि प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस इनिशियली 10 रुपीज थी, कंज्यूमर उसके फॉर एग्जांपल 10 यूनिट परचेज कर रहा था, न्यू प्राइस उसकी 5 रुपीज है, कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी जो है वो फॉर एग्जांपल अब भी अगर 10 ही परचेज करे, एक तो हमने कहा उसके पास 50 रुपए बचेंगे वो इसको स्पेंड कर दे शायद, दूसरा हमने कहा कि लेट अज्यूम जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं इससे मिलता जुलता एक अल्टरनेट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ए था इससे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट बी है, मसलन प्रोडक्ट ए पेप्सी है प्रोडक्ट बी कोक है। अब अगर मार्केट में इनिशियली पेप्सी की प्रोडक्ट भी 10 रुपए की है, कोक की भी 10 रुपए की है, कंज्यूमर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन खरीद रहा है, जब पेप्सी की प्राइस कम हो जाएगी तो कंज्यूमर विल फील के मुकाबलतन कंपेरेटिवली
कोक महंगी है, उसकी प्राइस अभी भी 10 रुपए है, तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट बी या कोक खरीदना कम कर दे और उसकी जगह पर भी पेप्सी ही खरीद ले। अगर कंज्यूमर ऐसा करेगा तो वो मुतबादल प्रोडक्ट खरीदेगा। मुतबादल को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी कि डिमांड की लाइन नेगेटिव क्यों होती है, या प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है कि कंज्यूमर जब ये देखता है कि प्रोडक्ट ए की कीमत पहले से कम हो गई है तो वो उसके मुतबादल प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ देता है या कम कर देता है और उसकी जगह पे कम होने वाले प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है उसको खरीदना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई वी सी कि जब प्रोडक्ट ए की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगेन दिस इज सेकंड पॉसिबल रीजन, नॉट ऑल द रीजंस। थर्ड पॉसिबल रीजन कस्टमर इफेक्ट या कंज्यूमर इफेक्ट भी बाज़ुकात कहते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर वर्ड है कस्टमर इफेक्ट। ड्यू टू फॉल इन प्राइस मोर कस्टमर्स स्टार्ट कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो बहुत से ऐसे कस्टमर जो प्रीवियस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए थी, बहुत से लोग ऐसे थे जो इस प्रोडक्ट को फिलहाल अफोर्ड नहीं कर रहे थे, वो इसके लिए 8, 7, 6 या 5 रुपए पे करने की कैपेसिटी रखते थे। याद रखें हमने कहा था डिमांड इज अबिलिटी टू परचेज, उन लोगों की अबिलिटी टू परचेज नहीं थी जब ये प्रोडक्ट 10 रुपए की थी, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट 10 से 5 रुपए पे आया है अब उनकी अबिलिटी टू परचेज में आ गया है ये प्रोडक्ट, वो भी खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स का बढ़ना इसकी वजह से भी बाज़ुकात हमें नजर आता है कि जैसे ही प्राइस कम होगी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ओके जी, देन लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने फोकस करके अच्छे तरीके से समझना है, कंज्यूमर वैल्यू। कंज्यूमर वैल्यू का लफ्जी मतलब क्या है पहले इसको समझ लें, फिर हम इसको बाय वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए कंज्यूमर वैल्यू का मतलब है कि मैं एक प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल पहले 10 रुपए प्राइस पे कर रहा था और मैं उसके 10, 15, 20 जितने भी यूनिट खरीद रहा था व्हाटएवर, अब मैं उसी प्रोडक्ट के लिए न्यू प्राइस 5 रुपए पे करूंगा, लेट अज्यूम ये पहले से कम प्राइस पे करूंगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट है, मौसम, फैशन, ट्रेंड, हर चीज कांस्टेंट है। अचानक उसकी प्राइस 10 से 5 पे आ गई है, मेरे लिए हम मुझे ये लग रहा है कि पहले मैं 10 रुपए में जितना फायदा उठा रहा था अब मैं उससे कम कीमत में 5 रुपए में उतना ही फायदा उठा रहा हूं, यानी मेरे लिए वो प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। ज्यादा वैल्यूएबल क्यों हो गया है, मुझे कम पैसों में वो ज्यादा फायदा दे रहा है। पहले मैं 10 रुपए खर्च करता था तो उतना फायदा लेता था, अब मैं उस पर 5 रुपए खर्च करता हूं, फायदा मुझे उतना ही मिल रहा है क्योंकि प्रोडक्ट की टाइप तो सेम है, क्वालिटी सेम है, हर चीज सेम है। तो मेरे लिए प्रोडक्ट की प्राइस कम होना, मैं असल में कंज्यूमर पर यूनिट ऑफ प्राइस सोच रहा होता है कि मैंने किसी प्रोडक्ट से फायदा लेने के लिए इस पे कितना पैसा खर्च किया है। जब हम पर यूनिट ऑफ प्राइस कहते हैं तो उसके लिए ये एक फार्मूला और वर्डिंग अंडरस्टैंड करें। कंज्यूमर सीक्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू फॉर मनी दे डिराइव फ्रॉम द स्पेंडिंग ऑफ देयर इनकम। हर कंज्यूमर की कोशिश है कि मैं अपनी पॉकेट में मौजूद इनकम को ऐसे खर्च करूं कि इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, फायदा मिल जाए, वैल्यू मिल जाए मुझे। ओके, अब ये देखें एक फॉर्मूला है हमारे सामने कि कंज्यूमर वैल्यू को कैसे जज करने की कोशिश करता है। सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग गुड, मुझे किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम एक फर्जी नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं पेप्सी की एक बॉटल पीता हूं मुझे टोटल फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फेक्शन का नंबर 100 लिख लेता हूं और मैंने इस 100 यूनिट सेटिस्फेक्शन के लिए लेट अज्यूम पेप्सी एक 1 बॉटल की प्राइस 50 रुपीज है मार्केट में, 100 सेटिस्फेक्शन है जो मुझे उससे मिलेगी, ये फर्जी नंबर है, मैंने जस्ट कहा कि एक ड्रिंक पीने से मुझे 100 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिलती है और नीचे प्राइस है उसकी, मैंने 100 यूनिट सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए टोटल पेमेंट कितनी की है 50 रुपीज। अब अगर हम 100 और 50 को डिवाइड कर दें हमारे पास कंज्यूमर वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, 2 मीन्स फिलहाल प्राइस चेंज नहीं हुई, मैं ये फील कर रहा हूं हर 1 रुपया स्पेंड करने पे मुझे 2 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिलती है, पर रुपी सेटिस्फेक्शन मैंने कैलकुलेट कर ली। अब जैसे ही इस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस कम होकर 50 से 25 पे आ जाती है,
अब हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि जैसे ही प्राइस कम होगी कंज्यूमर ज्यादा खरीदना शुरू कर देगा, वो इसलिए ज्यादा खरीदेगा कि अब उसे ये लग रहा है 100 डिवाइडेड बाय 25 कि हर एक रुपए के बदले में मुझे 4 यूनिट सेटिस्फेक्शन के मिल रहे हैं। पहले हर एक रुपए के बदले में 2 यूनिट सेटिस्फेक्शन थी, अब हर एक रुपए के बदले में 4 यूनिट मुझे मिल रहे हैं, यानी कंज्यूमर के लिए मेरे लिए वो प्रोडक्ट पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। इस वजह से बाज़ुकात कीमत कम होने पे हो सकता है मैं ये फैसला कर लूंगा इस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद लिया जाए। अब ये थी 4 पॉसिबल रीजंस कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है, या जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम क्यों होती है, नेगेटिव रिलेशन क्यों है। एक सेकंड के लिए हम दोबारा ग्राफ को देखते हैं, इसमें आप दोबारा अंडरस्टैंड करें। देखें जब हमारे पास प्राइस 250 थी और इसके अगेंस्ट क्वांटिटी 20 यूनिट्स थी तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। हम कहते हैं जैसे ही प्राइस 250 से कम होके 200 पे आएगी इसके साथ ही डिमांड 20 यूनिट से बढ़ के 40 यूनिट्स पे चली जाएगी। यानी हम एक्सप्लेन ये कर रहे हैं 50 रुपए प्राइस कम होने से इस प्रोडक्ट के लिए 20 यूनिट डिमांड बढ़ेगी। अब ये जो 20 यूनिट डिमांड का बढ़ना है, अब डेली डिमांड 20 से बढ़ के 40 पे चली गई है, 40 यूनिट डिमांड डेली लेवल पे इंक्रीज कर गई है। इस 20 यूनिट डिमांड में इजाफे के पीछे वो 4 बातें हैं। हो सकता है इस 20 में से 2 यूनिट इजाफा इनकम इफेक्ट की वजह से हुआ हो, हो सकता है इसमें से 5 यूनिट डिमांड का इजाफा कंज्यूमर इफेक्ट की कस्टमर की तादाद बढ़ने की वजह से हुआ हो, हो सकता है इसमें 5-7 यूनिट का इजाफा जो है वो कंज्यूमर वैल्यू की वजह से हो, हो सकता है 5-7 यूनिट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो कि कंज्यूमर ने इसकी जगह पे जो दूसरा प्रोडक्ट खरीदा जा रहा था उसको खरीदना कम कर दिया है, वो भी इधर ही स्विच हो गए हैं। टोटल हमें इम्पैक्ट ये नजर आ रहा है कि जब प्राइस 250 से 200 पे आएगी तो डिमांड 20 यूनिट इजाफे से 40 पे पहुंच जाएगी। अगेन जब प्राइस 200 से 150 पे आएगी डिमांड 40 यूनिट से बढ़ के 160 पे आ जाएगी। अगेन दिस मींस कि फर्दर 50 रुपए कम होने से अगेन वो चारों बातें वर्क करना शुरू हो जाएंगी, मजीद इनकम इफेक्ट आएगा क्योंकि कुछ और इनकम बच गई कंज्यूमर की, मजीद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट और सस्ता हो गया है, कुछ कस्टमर्स की तादाद और बढ़ेगी जो 200 पर भी अफोर्ड नहीं कर रहे थे 150 पे पहुंचने पे अफोर्ड करना शुरू होंगे, कंज्यूमर वैल्यू भी मजीद पहले से बेहतर हो गई। अगेन वो चारों फैक्टर मिलके टोटल यहां पर भी 20 यूनिट का इजाफा कर रहे हैं कि अब डिमांड 40 यूनिट से बढ़ के जो है वो 60 यूनिट पे पहुंच चुकी है। तो दिस इज द सिचुएशन। दोबारा रिमाइंड कर लें, लॉ ऑफ डिमांड की अगर डेफिनेशन आएगी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट एक्सप्लेन एंड ड्रॉ लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम या स्केड्यूल एंड डायग्राम, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 से 6 नंबर का होगा। आपने लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करना है, टेबल हाइपोथेटिकली बनाना है, बेशक आप बुक वाला डाटा ही बना दें ज्यादा बेहतर है, अपनी मर्जी से कोई भी प्राइसेस कोई भी क्वांटिटीज ले लें, लेकिन जब आपने वहां पर अपनी मर्जी से प्राइस और क्वांटिटी लेनी है तो मेरी कल वाली बात आपने माइंड में रखनी है, आपके वाई और एक्स एक्सिस में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। आज देखें अब आपके सामने जो डिमांड कर्व का ग्राफ है, वाई एक्सिस पे अगर मैंने पहला गैप 0 से 50 का लिया है तो फिर सारे गैप 50-50 के हैं, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 250, 50 का ही गैप रहेगा। वाई एक्सिस पे जो गैप मैं पहला गैप ले चुका हूं वो चेंज नहीं करूंगा। एक्स एक्सिस पे और डिफरेंट गैप हो सकता है, 10 का, 20 का, 50 का, सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने पहला गैप 0 से 20 का ले लिया है तो फिर ये 20, 20, 20 का ही गैप चलेगा। फिर मैं ये नहीं कर सकता कि पहला गैप 20 का है फिर अचानक 10 का कर लूं, फिर 50 का कर लूं, फिर 100 का कर लूं, फिर आपका ग्राफ ही ठीक नहीं बनेगा, हो सकता है आपकी स्लोप ठीक ना बने, डायग्राम ठीक ना बने। तो इस चीज का आपने जहन में रखना है। अगर आप बुक वाला डाटा यूज कर लें मच बेटर है, गलती के चांस कम है, अपना भी यूज करना है, हाइपोथेटिकली फर्जी सूरत हाल लेनी है खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने इन बातों का ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का होगा, टेबल बनाएं, डायग्राम बनाएं और उसको 5 से 7 लाइनों में, 8 लाइनों में जैसे बुक में एक्सप्लेन किया गया है एक्सप्लेन कर दें। तीसरा क्वेश्चन हमने इसके साथ किया
कि वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। ये चार नंबर का अलहदा से क्वेश्चन आता है। जब ये क्वेश्चन आता है तो इसके साथ वो फिर डायग्राम नहीं पूछेगा, टेबल नहीं पूछेगा, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। वो सिर्फ कहेगा वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, इसकी रीजन बता दें। डिमांड कर्व या कह सकता है वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसकी स्लोप नीचे की तरफ क्यों होती है, एक ही बात है, नेगेटिव स्लोप होती ही नीचे की तरफ है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया चार नंबर का। अब हमने एक पॉइंट स्किप किया था, उसको भी कवर कर लें। हमारे पास था अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, के लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी अजम्पशंस क्या क्या है। 10 मिनट है, चले पहले हम ब्रेक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना हुए तो अजम्पशंस हम आज ही कर लेंगे, अदरवाइज फिर अजम्पशंस जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल आके शुरू करेंगे। जी किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड करें भाई। जी अबू बकर, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर मार्केट में कोई चीज बन रही है, पहले बन रही 10 की और बाद में बनती है 5 की, तो सर ये भी हो सकता है कि वो चीज की मतलब के जो क्वालिटी है वो लो कर दे? देखिए हाँ बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप मेन स्टेटमेंट माइंड में रखें। हमने लॉ ऑफ डिमांड में मेनली क्या कहा, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। हम लॉ ऑफ डिमांड के ड्यूरिंग ये फर्ज कर रहे हैं कि वो अगर 10 की बनती थी तो 10 की ही बन रही है, वो जिस क्वालिटी की बनती थी उसी क्वालिटी की बन रही है, वेदर चेंज कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग द लॉ ऑफ डिमांड हम अज्यूम कर रहे हैं कि नथिंग विल चेंज, सिर्फ प्राइस चेंज होगी। हम उसका इंपैक्ट चेक करना चाहते हैं। जो अदर फैक्टर्स हैं वो कल की डिस्कशन में आएंगे, फिर हम कल की डिस्कशन में प्राइस फिक्स रखेंगे, वन बाय वन बाकी चीजों को समझेंगे कि लेट अस्यूम प्राइस फिक्स हो जाए, बाकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाए तो उनका क्या इंपैक्ट है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है एवरी अदर थिंग इज कॉन्स्टेंट, जो जहां पे है जैसी है वैसी ही चल रही है। जी ओके जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। जी कुरतुल ऐन। वालेकुम सलाम। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जरा बता दें, इसमें लाइन है कंज्यूमर में स्विच स्पेंडिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। जी देखें, जिस प्रोडक्ट का हम ग्राफ बना रहे हैं, लेट अस्यूम प्रोडक्ट ए है, हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये लेते हैं कि इससे कोई मिलता जुलता मुतबादल प्रोडक्ट भी मार्केट में है। मसलन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ए और बी पेप्सी एंड कोक, दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती हैं, पिज्जा एंड बर्गर आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो एक ही पर्पस के लिए यूज होती है और कंज्यूमर अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, ए खरीद ले या बी खरीद ले, एक ही बात है उसके लिए, वो उससे मिलता जुलता फायदा उठाएगा। अब इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट ए का ग्राफ बनाना शुरू करें तो जब प्रोडक्ट ए की प्राइस कम होगी तो हम कहते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी वजह ये होगी कि हो सकता है कंज्यूमर ये सोचे कि अब जो कंपैरेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट बी, उसकी तो अभी प्राइस चेंज नहीं हुई, वो स्टिल उसी प्राइस पे है, तो वो बी को कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव महंगा फील करना शुरू कर देता है, प्रोडक्ट ए जिसकी प्राइस कम हुई है उसको सस्ता फील करना शुरू कर देता है। इस वजह से बाज़ुकात कंज्यूमर बी खरीदना छोड़ देता है और उसकी जगह स्विच कर लेता है अपनी स्पेंडिंग को। स्विच का मतलब वो बी पे पैसा खर्च नहीं करेगा, अब ए पे खर्च करेगा। अगर कंज्यूमर ऐसा फैसला करे तो एक तो वो ए पहले ही खरीद रहा था, फिर उसने बी की जगह भी ए के ही यूनिट खरीद लिए। मसलन मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, लेट अस्यूम आप अपने घर के लिए मंथली 30 यूनिट्स ऑफ बॉटल खरीदते हैं, 15 पेप्सी की बॉटल्स खरीद लेते हैं, 15 ही आप कोक की खरीद लेते हैं, 30 पर डे वन। अगर मार्केट में पेप्सी की प्राइस कम होती है तो शायद कंज्यूमर ये सोच ले कि हम पेप्सी के यूनिट 15 की बजाय 20 कर देते हैं, कोक के 10 कर लेते हैं, क्योंकि कोक कंपैरेटिवली महंगा है। अब ये जो स्विचिंग हुई है कोक के 5 यूनिट कम करके उसकी जगह भी पेप्सी खरीदना, इसको हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि कंज्यूमर सस्ते होने वाली प्रोडक्ट की तरफ स्पेंडिंग स्विच करना शुरू कर देते हैं। दिस कुड बी वन पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से प्राइस कम हो तो डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कस्टमर इफेक्ट के बारे में सर थोड़ा सा बता दें। कस्टमर इफेक्ट सिंपली हम कह रहे हैं कि जो पहली प्राइस थी उस पे कुछ कस्टमर नहीं खरीद पा रहे थे। मसलन पहली प्राइस है प्रोडक्ट की 10 रुपए पर यूनिट,
बहुत से कस्टमर हैं जो 10 रुपए पे ये प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी डिमांड ही नहीं आ रही अभी मार्केट में। लेकिन जैसे ही प्राइस कम होती है वो तमाम कस्टमर भी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं प्राइस कम होने पे कुछ न्यू कस्टमर्स मार्केट में ऐड हो जाते हैं, तो कस्टमर्स की तादाद में इजाफा भी एक वजह बनती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के नेगेटिव रिलेशन में, कि जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। जी नेक्स्ट है उसामा जुबैर, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? उसामा आपका माइक ऑफ लग रहा है भाई। जी सर, डिमांड कर्व में हमेशा लीनियर ग्राफ बनेगा या नॉन लीनियर ग्राफ भी बन सकता है? नहीं, एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो नॉन लीनियर का है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर एग्जांपल होती है, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता कि प्राइस फिक्स चेंज हो और डिमांड भी एग्जैक्ट उतनी ही हो। लेकिन हमें, क्योंकि आपका ये इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का कोर्स है, आपकी मेन फील्ड इकोनॉमिक्स नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड समझा जाता है कि इकोनॉमिक्स के फर्स्ट कोर्स में हम लीनियर ग्राफ से ही ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन करते हैं सिनारियो सिंपल रखने के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में होते हैं तो सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में फिर आप नॉन लीनियर कर्व की रीजन, कितनी कर्व, वो सारी चीजें समझते। लेकिन हम यहाँ पे इजी सिनारियो रखने के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि इंट्रोडक्टरी कोर्स में लीनियर ग्राफ से ही हम डिमांड को एक्सप्लेन कर देते हैं। इन रियलिटी ये लीनियर नहीं होते, वाकई ये नॉन लीनियर ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल की, हर दफा 50 रुपए प्राइस कम की, हर दफा डिमांड 20 ही इंक्रीज की है। इन रियलिटी तो ऐसा नहीं होता, हो सकता है शुरू में डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट आए, हो सकता है बाद में डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट आए। तो वो ये, यानी कि आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। आप लीनियर डिमांड से डिमांड लाइन ड्रॉ कर दें तो भी कोई एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता, नॉन लीनियर से एक्सप्लेन कर दें तो भी कोई गलत नहीं करेगा। जी नेक्स्ट हसन है या हसन गुल, क्या नाम है भाई आपका? हसन गुल जी बताएं क्या क्वेश्चन है। सेटिस्फेक्शन के जो यूनिट्स हैं वो हम परसेंटेज में लेते हैं या इसका नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बाय करते हैं उसका कोई इसमें नहीं? ये ना परसेंटेज में है ना नंबर ऑफ यूनिट में है, ये जस्ट एक फर्जी सूरत हाल है, एज्यूम करते हैं। मैं जस्ट आपसे कहता हूँ कि लेट एज्यूम ये 250 ml की बॉटल है, आप ये बॉटल ऑफ पेप्सी पीते हैं, आप अपने माइंड के मुताबिक कोई फर्जी नंबर बता दें कि आपको इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, आप 10, 20, 50, 100 कुछ भी बोल दें। ये जस्ट सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम उसको नंबर में लिख के कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं, ना इसका परसेंटेज से कोई तल्लक है, ना इसका क्वांटिटी से, एक एक कितने यूनिट होंगे तो हम इतनी ही वैल्यू उसको देंगे, इसका इससे कोई तल्लक नहीं है। एक आंसर तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा समझ लें कि ये जो यूटिलिटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम सेटिस्फेक्शन की बहुत सी डिटेल्स पढ़ेंगे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका फर्दर क्लियर हो जाएगा कि सेटिस्फेक्शन की सेंस क्या है। जी नेक्स्ट इरहा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? इरहा आपका माइक ऑफ है, इसको करें ऑन। जी नेक्स्ट शुएब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये कंज्यूमर वैल्यू एक्सप्लेन कीजिएगा। कंज्यूमर वैल्यू, देखें आप कोई भी प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते हैं तो हमने कहा कि फर्जी तौर पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फर्ज कर लेते हैं कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिली है। ऑब्वियसली मुझे भूख लगी थी, मेरी भूख पूरी हो जाएगी, प्यास लगी थी, प्यास पूरी हो जाएगी। अब मुझे कोई कहता है कि इस सेटिस्फेक्शन को नंबर की शक्ल में बता दें, भाई ये सेटिस्फेक्शन 10 है, 20 है, 50 है, जैसे आप न्यूज में टीवी पे अक्सर प्रोग्राम देखते हैं ना जी, ये फलां शख्स है, इसको आप 1 से 10 तक रैंक कर दें, आप इसको रैंकिंग ही समझ लें कि आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिली। ओके जी, आप कोई हाइपोथेटिकल नंबर कह देते हैं फर्जी कि मुझे जी फलां प्रोडक्ट से 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली है। अब कंज्यूमर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 10 सेटिस्फेक्शन है और अगर आपने उस प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए ही पे किए हैं तो हर 1 रुपए के बदले में सेटिस्फेक्शन का 1 यूनिट आपको मिला है। अब अगर उसकी प्राइस कम होकर 5 पे आ जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? सेटिस्फेक्शन तो वही 10 रहेगी क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अब आपने उस 10 सेटिस्फेक्शन के यूनिट के लिए टोटल प्राइस 5 रुपए पे की है, यानी अब आपको 1 रुपए के बदले में 2 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल गई है। तो आपको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट जो कल तक मुझे 1 रुपए के बदले में कम सेटिस्फेक्शन दे रहा था और आज 1 रुपए के बदले में डबल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो गया।
तो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट का ज्यादा वैल्यूएबल होना उसे इनकरेज करता है कि इसको थोड़ा सा और खरीद लो, अगर पहले 10 खरीद रहे थे तो 15 खरीद लो, 15 थे तो 18 कर लो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस कुड बी द फोर्थ रीजन जिस वजह से प्राइस कम होने पे डिमांड आमतौर पे इंक्रीज होती है। जी मोहम्मद अली आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी सर, आज के लिए हमने याद क्या करना है? जो आपने पढ़ लिया है और क्या याद करना है, जो पढ़ा है वही आपका कोर्स है। सर ये बुक से ये तो दो पेज हैं, ये सिर्फ यही करना है। जी जी, जो देखें ये क्लियर कट नोट कर लें, जो आज का लेक्चर है वही आपका टारगेट है, उसको समझना, रीड करना, उसमें कोई वर्डिंग का प्रॉब्लम है उसको प्रिपेयर कर लें, कोई ग्राफ है तो ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। इसके अलावा और कोई फालतू चीज स्टडी करने की किसी किस्म की जरूरत नहीं है। जी जी, नेक्स्ट है शावेज। अस्सलाम सर। वस्सलाम सर, मैंने पूछना था ये न्यूमेरिकल, ये जो कंज्यूमर वैल्यू का फार्मूला है इसका न्यूमेरिकल बेस भी आंसर, इसका नहीं आता है? इसका नहीं आता, जहां पे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मैं आपको गाइड करूंगा, इसका नहीं आता। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इरहा जी आपका क्या क्वेश्चन है? इरहा भाई आपका या तो माइक ऑफ है या आप इधर से, आपके माइक का कोई प्रॉब्लम है या तो वायर कनेक्ट नहीं है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन कुरतलैन। सर आपसे पूछना था ये जो ग्राफ है प्राइस और क्वांटिटी का, इसमें हम खुद से वैल्यूज ले सकते हैं ना, मतलब डिस्टेंस सेम होगा लेकिन उनको खुद एक्सप्लेन कर देंगे अपनी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो बातें जो कल आपको हाईलाइट की थी, डिस्टेंस सेम रखना है और क्वांटिटी सेम रखनी है, यानी अगर आप हाफ हाफ इंच पे एक एक पॉइंट ले रहे हैं और अगर आपने जीरो से पहला नंबर 100 का लिया है तो हर दफा 100 ऐड करते जाएं, 200, 300, 400, तो इन दो बातों का ख्याल रख के आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, दैट्स ऑल आज के लिए, अल्लाह हाफिज। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल अजम्पशंस पहले करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे।